तो आज है महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे और उनके बर्थडे के अवसर पे मैं ये नहीं बताना चाहता कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया है, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि उससे आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे। और ना ही इस वीडियो में मैं एमएस धोनी के किसी हेटर को उनके फैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप आज भी एमएस धोनी को हेट करते हैं या एमएस धोनी के हेटर हैं तो आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चिंता मत करिए, आप भी ठीक हो जाएंगे, अपनी गोली जो है वो समय पे लेते रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हां, मैं आज एक काम जरूर करने वाला हूं, आज धोनी के बर्थडे पे मैं एक इंसान को बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज करने वाला हूं। ये वो इंसान है जिसने धोनी के बारे में पूरे देश में बहुत ही ज्यादा बुरा बोला है, बार बार बोला है, लगातार बोला है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन योगराज सिंह की। योगराज सिंह की धोनी के बारे में कुछ बहुत ही घटिया लाइंस हैं जो आपने कभी ना कभी अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जरूर सुनी होंगी, और अगर नहीं भी सुनी है या फिर अगर आपको याद नहीं आ रही है तो चिंता मत करिए, मैं आपको सुना भी देता हूं, दिखा भी देता हूं। अगर मैं मीडिया वाला होता, मीडिया में बैठा होता और इतनी बात करता, मैं इसका रख के चाड़ा मारता मुंह पे कि तेरी औकात नहीं है बात करने की, तू महेंद्र सिंह धोनी इसलिए है क्योंकि मीडिया ने तेरे को खुदा बनाया, मीडिया ने तेरे को भगवान बनाया। तो युवराज सिंह जी कहते हैं कि तू महेंद्र सिंह धोनी इसलिए है क्योंकि तुझे मीडिया ने भगवान बनाया है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए कि मौसम बिगड़ने वाला है और अब फाइनली एक्सपोज का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो क्या कहा आपने कि धोनी को मीडिया ने बनाया? देखो, साल 2007 में इंडिया के पास कैप्टेंसी के लिए कई सारे सीनियर प्लेयर्स के तौर पे चॉइसेस थी, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जाते हैं बीसीसीआई के पास और कहते हैं कि हमारे हिसाब से जो इंसान इस समय इंडिया को सबसे बेहतरीन तरीके से संभाल सकता है, जो इंडिया की सबसे अच्छे तरीके से कप्तानी कर सकता है, वो कोई और नहीं महेंद्र सिंह धोनी है। तो क्या मीडिया गया था बीसीसीआई के पास? क्या मीडिया ने कहा था सचिन और द्रविड़ से कि जाओ बीसीसीआई के पास और कहो कि धोनी को कप्तान बनाओ? नहीं, उस बंदे ने अपनी कप्तानी में 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, लेकिन एमएस धोनी को मीडिया ने बनाया है। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता है कि टेस्ट में इंडिया नंबर वन रैंक पे जाती है एमएस धोनी की कैप्टेंसी के अंडर, और सेम टाइम पे पहली बार ऐसा होता है कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ही धूल चटाती है, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। लेकिन ये सब कुछ तो मीडिया ने किया था, धोनी ने थोड़ी किया था। बंदा कभी सिक्स तो कभी सेवन पोजीशन पे बैटिंग करने आता है और उस पोजीशन पे भी आके 50 से ज्यादा एवरेज रखते हुए ओडीआई में 10,000 से ज्यादा रन मार देता है, लेकिन धोनी को तो मीडिया ने बनाया है। और यहां पे याद रखना कि एमएस धोनी की थर्ड बैटिंग पोजीशन पे और फोर्थ बैटिंग पोजीशन पे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एवरेज है, लेकिन उसके बावजूद भी एमएस धोनी ने उस बैटिंग पोजीशन को सैक्रिफाइस कर दिया, उन्होंने अपने आप को नीचे खिसका दिया जहां वो जानते थे कि हर बार उनकी बैटिंग ये डिसाइड करेगी कि इंडिया मैच जीत रही है या इंडिया मैच हार रही है। हर बार चाहे ऊपर की बैटिंग पोजीशन पे किसी ने कुछ भी करा हो, लेकिन अगर गलती से भी इंडिया हारी तो लोग यही कहेंगे कि धोनी ने इंडिया को हरा दिया, पर उसके बावजूद भी वो बंदा नीचे ही बैटिंग करता रहा, वो बंदा हर बार खुद को प्रेशर में डालता रहा, लेकिन सब कुछ तो मीडिया ने करा है, मीडिया ने ही तो धोनी को बनाया है ना। चलो अच्छा, सब कुछ भूल जाओ, नहीं सच में सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मुझको बस तुम ये बता दो कि जब खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ये कहते हैं कि आज तक मैंने जितने कैप्टन्स के भी अंडर खेला है उसमें से सबसे बेस्ट कैप्टन जो है वो एमएस धोनी है, और आज से आने वाले सैकड़ों सालों तक इंडिया के सबसे बेस्ट कैप्टन एमएस धोनी रहेंगे, तो क्या मीडिया ने सचिन को कहा था कि सचिन भाई प्लीज आप बाहर जाके ये कहना कि धोनी बेस्ट कैप्टन है? नहीं कहा था। तो कहीं ना कहीं युवराज जी, आप क्या सचिन से ज्यादा जानते हैं? देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एमएस धोनी के जाने के बाद जो इंडियन टीम है वो आईसीसी ट्रॉफी के लिए तरसी जा रही है और तरसी जा रही है। तो क्या ये मीडिया है जो बार बार इंडिया को ट्रॉफी जीतने से रोक रहा है? नहीं ना। अगर मीडिया रोक रहा है कि भाई चलो धोनी को इसी बहाने लोग याद करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो युवराज जी आप पूरे तरीके से गलत हैं। आईपीएल में चाहे धोनी देश के किसी भी शहर के किसी भी मैदान में खेल रहे हों, लेकिन धोनी के उस मैदान में आते ही वो मैदान चेन्नई का हो जाता है। हर शहर का क्राउड भूल के कि वो किस सिटी के हैं, धोनी चिल्लाने लगता है। जाहिर सी बात है ना, ये तो मीडिया ही करा रहा होगा, मीडिया ही होगा जो हर शहर के हर मैदान में हर इंसान के पास जाके कहता होगा भाई जैसी एमएस धोनी आएंगे ना धोनी चिल्लाने लगना, क्योंकि युवराज सिंह ने कहा है कि एमएस धोनी को लोगों ने नहीं बनाया है, उनकी काबिलियत ने नहीं बनाया है, बल्कि मीडिया ने बनाया है। नहीं, सोचने वाली बात है कि हर बार स्टार
स्पोर्ट्स से लेकर जियो सिनेमा की जो व्यूअरशिप है वो तभी सबसे टॉप पे क्यों जाती है जब मैदान में एमएस धोनी एंट्री करते हैं, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है यार, ये मीडिया है जो हर इंसान के घर में घुस के कहता है कि एमएस धोनी आ गए हैं, अब अपना टीवी सेट ऑन कर लीजिए। सोचो सुनील गावस्कर जैसा लेजेंड, भाई सुनील गावस्कर जैसा लेजेंड जब धोनी को अपने सामने देखता है तो एक बच्चे की तरह दौड़ता हुआ उनके पास चला जाता है, जैसे कि वो खुद कोई बड़े क्रिकेटर ना हो बल्कि एमएस धोनी के फैन हो, और एमएस धोनी से जाके क्या कहता है कि धोनी भाई हमारी शर्ट पे भी एक साइन कर दीजिए क्योंकि हम भी आपके फैन हैं। लेकिन योगराज सिंह के अनुसार ये जो सुनील गावस्कर है ना, इनको भी मीडिया ने खरीद रखा है। मीडिया ने गावस्कर साहब से कहा था कि गावस्कर साहब जब एमएस धोनी आपके पास से गुजर रहे होंगे ना तो आपको दौड़ते हुए जाना है, जैसे ही हम एक्शन बोलें तो धोनी से कहना है कि साइन हमारे शर्ट पे कर दीजिए, जैसे ही हम कट बोलेंगे वापस आपको लौट आना है। और वो भी छोड़ो भाई, आईपीएल में जॉस बटलर से लेकर डेल स्टेन से लेकर मुथैया मुरलीधरन तक जो लेजेंड्स हैं वो एमएस धोनी से अपनी टी शर्ट पे साइन कराते हैं, किस लिए? क्योंकि मीडिया ने उनसे कहा था कि देखिए अगर आपको आईपीएल में खेलना है तो धोनी से टी शर्ट पे तो साइन करानी ही करानी होगी, बाकी वो लोग कोई इज्जत थोड़ी करते हैं एमएस धोनी की। युजवेंद्र चहल से लेकर कुलदीप यादव तक ना जाने कितने इंटरव्यू में बार बार ये कह चुके हैं कि जब से एमएस धोनी उन तीन स्टंप्स के पीछे से हटे हैं तो बॉलिंग के लेवल में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। लेकिन फिर से ये तो मीडिया है जिसने इन दोनों से कहा था कि आप जहां भी जाएंगे आपको ये तो बोलना पड़ेगा वरना टीम से बाहर कर दिए जाएंगे। यार वो इकलौता प्लेयर है जो आईपीएल की स्टार्टिंग से लेके अब तक अपनी टीम की कप्तानी करे जा रहा है। वो इंडिया का तो सबसे सफल कप्तान था ही, लेकिन आईपीएल का भी सबसे सफल कप्तान वही है, जबकि आईपीएल में ना जाने कितने सैकड़ों कप्तान बने, कितनी बार कितनी टीमों की कप्तानी ना जाने कितने कप्तानों ने करी, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज कांस्टेंट रही, वो थी एमएस धोनी की कैप्टेंसी। लेकिन ये तो मीडिया है जो ये सब कुछ करा रही है। मतलब यार सोचने वाली बात है कि एक बंदा है जिसको क्रिकेट से रिटायर हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, एक बंदा है जो साल में 10 महीने क्रिकेट से पूरे तरीके से दूर रहता है, मस्त अपने फार्म में ट्रैक्टर वगैरह चलाता है, कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं देता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं देता है, उसके बाद वो मात्र 2 महीने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बल्कि लीग में खेलने आता है, पर उन 2 महीनों में भी वो इस बात को साबित कर देता है कि तो क्या हुआ मैं 10 महीने कुछ भी नहीं खेलता, तो क्या हुआ मुझे 4 साल क्रिकेट से रिटायर हुए हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन 2 महीनों में मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो ये साबित कर देती है कि मेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा। लेकिन ये तो मीडिया है, ये सब कुछ मीडिया कर रही है, इसमें धोनी का कोई हाथ ही नहीं है भाई। देखो विराट कोहली से लेकर डिविलियर्स तक से जब ये सवाल किया जाता है कि आपके हिसाब से गोल्ड प्लेयर कौन है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन सा एक प्लेयर है, तो दोनों का ही जवाब एमएस धोनी रहता है। लेकिन ये तो मीडिया है जिन्होंने इन दोनों से कहा था कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब तो आपको एमएस धोनी देना होगा। और उससे भी बड़ी चीज ये सोचो कि एक टीम का कप्तान है हार्दिक पांड्या और वो अभी-अभी आईपीएल का फाइनल हार रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई दुख नहीं है, वो हंस रहा है और वो ये कह रहा है कि उसको ये जो हार है वो जीत से भी बड़ी लग रही है, क्योंकि जिस इंसान से वो हारा है वो उसके लिए खुश है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन ये तो मीडिया थी, ये मीडिया थी जिसने हार्दिक पांड्या से कहा था कि जैसे ही आप मैच हारे पहले तो आपको हारना है, क्योंकि एमएस धोनी की कैप्टेंसी में या उनकी बैटिंग में कोई काबिलियत नहीं है कि वो अपनी टीम को जिता पाए, आपको हारना पड़ेगा ताकि मीडिया में हम सीएसके और धोनी की बात चला पाए, उनकी जीत की सुर्खियां बटोर पाए, और उसके बाद आपको यह कहना होगा कि आप जो हैं हार से ज्यादा धोनी की जीत से खुश हैं। और अब सबसे बड़ी बात कि अपने बुरे वक्त से निकलने के बाद सदी के सबसे महान बैट्समैन विराट कोहली कहते हैं कि इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी कि मेरे बुरे दौर में जिस बंदे ने मुझे सबसे पहले पूछा वो कोई और नहीं एमएस धोनी थे, और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये तो मीडिया है जो विराट कोहली के पास जाके कही होगी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि किसने आपको आपके बुरे दौर में साथ दिया, किसने आपको आपके बुरे दौर से निकाला, तो आपको एमएस धोनी का नाम ही लेना होगा। देखिए बड़ी ही सिंपल सी कहानी है साहब कि दुनिया में उठाया उसे ही गया है जो उठने के काबिल था, और दूसरा सच ये भी है कि लोग अक्सर उसी को गिराने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में वो जानते हैं कि ये सच में बेहतर है, और यही रीजन है कि धोनी ने आज तक किसी को नीचा नहीं दिखाया, धोनी ने आज तक पब्लिकली किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, इवन लोगों ने ना
मीडिया ने उसके बारे में क्या क्या बोला, जो उसके साथ में खेले हुए थे उन्होंने तक बोला, लेकिन धोनी कभी भी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। यही रीजन है कि धोनी धोनी है, यही रीजन है कि धोनी को लोग इतना मानते हैं, यही रीजन है कि लोग सिर्फ धोनी एज अ क्रिकेटर को पसंद नहीं करते हैं, धोनी एज अ इंसान को पसंद करते हैं। और लोग उनके बारे में आगे भी कहते रहेंगे, लेकिन जो उनके सच्चे क्रिकेट फैन हैं उनको पता है कि धोनी क्या चीज है। तो अंत में मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि हैप्पी बर्थडे एमएस धोनी, हैप्पी बर्थडे कैप्टन कूल, एंड थैंक यू एमएस धोनी हमें वो पल देने के लिए जिन पलों को सोच के शायद हमारी जो पूरी जिंदगी है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कौन कौन मेरी इन बातों से एग्री करता है, कौन कौन है जिसको लगता है कि एमएस धोनी ने जो इंडिया के लिए किया है वो आने वाले वक्त में कोई भी नहीं कर पाएगा, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है आज एमएस धोनी के बर्थडे के अवसर पे, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।